वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस एंड कोडिंग तो प्रीवियस लेक्चर में हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं और गॉस लॉ के बाद में हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकाला तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे एंड बिफोर गोइंग टू डेट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम मोहित सिंह चौधरी कंपलीटिव माई मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम माई आई टी तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट ठीक है तो सैटेलाइट के मोशन के टाइम पे क्या क्या उसकी कैनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये सब हम अभी देखेंगे तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक है तो इसका एक बार डायग्राम देखते हैं तो सपोज करो ये अर्थ है और उसके अराउंड में कोई सेटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है ठीक है और इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है ठीक है तो इस पर सेटेलाइट पे टू फोर्सेस लगेंगे एक तो होगा इनसाइड जो कि होगा ग्रेविटेशन एफ जी और एक लगेगा आउटसाइड जो होगा सेंट्री फ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो एफ जी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा ठीक है तो एफ जी की वैल्यू कितनी होगी जी कैपिटल एम लेते हैं मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम लेते हैं मास ऑफ सेटेलाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर, टू एम ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है तो अब जो सेटेलाइट है वो किसी वेलोसिटी से घूम रहा है या बोले रोटेट कर रहा है तो ये होगी इसकी जो वेलोसिटी होगी होगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो so, वी टू ओमेगा आर लिख सकते हैं सो so, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी नॉट डिवाइड बाय आर तो ये हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी ऑर्बिटल डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर इनटू आर एम एम विल बी कैंसिल एंड जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर आर स्क्वायर विल बी कैंसिल तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई जी एम डिवाइड बाई आर इसको और थोड़ा अगर कर सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट एट एंड साइड चल जाएगा तो आ जाएगा जी प्लैम डिवाइड बाई आर तो यह आई हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सेटेलाइट ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकेंड पॉइंट जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट अगर कैनेटिक एनर्जी सेटेलाइट की निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे तो कैनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वायर तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बट इस केस में जो वेलोसिटी वो है वो कितनी है सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल तो हो जाएगा वी ऑर्बिटल स्क्वायर तो जाएगा हाफ एम तो इसका स्क्वायर कर देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का तो आएगा जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर तो ये बना हाफ ऑफ जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर ये बनी हमारी कैनेटिक एनर्जी थर्ड निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट ठीक है potential energy. Potential energy तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इनटू पोटेंशियल ये हमने अर्लियर लेक्चर में पढ़ा था तो मास पोटेंशियल कितना है इसका माइनस जी कैप्टल एम डिवाइड बाय आर तो पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस जी एम इंटू एम डिवाइड बाय आर ठीक है तो अगर हम निकालें टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तो ये कितनी आएगी टोटल एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिंपली हाफ ऑफ कैपिटल जी एम एम डिवाइड बाय आर माइनस जी एम एम इंटू डिवाइड बाय आर तो ये बन जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय टू आर ठीक है तो ये आई हमारी टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट अब टोटल एनर्जी नेगेटिव है मींस टोटल एनर्जी इज इन नेगेटिव मीन्स सेटेलाइट इज बाउंडेड ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेंट्रल फोर्स के केस में जब एनर्जी नेगेटिव आती है तो होता है वो बाउंड वाला केस तो सेम है सेटेलाइट के लिए भी ठीक है और इसमें अगर पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी दें कि सेटेलाइट आउटसाइड द ऑर्बिट चली जाए तो इसको सिंपली टोटल एनर्जी का प्लस हो जाएगा उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और अगर हम फिफ्थ अगर कैलकुलेट करें टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट अगर टाइम पीरियड निकालना सेटेलाइट का वो कैसे निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई बॉडी सिंपली रोटेट कर दिए किसी पॉइंट के अबाउट वो होता है टू पाई आर डिवाइड बाई वी अभी इस केस में वी क्या आ जाएगा वी ऑर्बिटल तो ये बना टू पाई आर वी ऑर्बिटल की वैल्यू पुट करेंगे जी एम डिवाइड बाई आर ओके और इसका अगर हम ये तो आगे हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू इसका अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो ये बनेगा टी स्क्वायर इजिकल टू फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम डिवाइड बाय आर सो टी स्क्वायर कितना हुआ फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय जी एम अब इस टर्म को अगर ढंग से देखा है तो टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ये बन गया हमारा कैप्लस लॉ कैपलर्स लॉ हमने पढ़ा था सेंट्रल फोर्स के केस में कैपलट्स लॉ क्या आया था वो हमने यहाँ पर प्रूव किया है ओके फ्रेंड्स तो ये तो रहा सेटेलाइट के बारे में पहले हमने निकाला ऑर्बिटल वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी धैन टोटल एनर्जी एंड देन टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट ठीक है तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वैल्यूसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ठीक है तो देखो अब ये अर्थ है इसकी रेडियस कैपिटल आर है और मास एम है ठीक है अब इसके सरफेस पे कोई पार्टिकल रखा है स्मॉल एम का अब इसको अगर हमें एस्केप करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो हमें इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी और हम चाहते हैं कि ये आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी चली जाए मीन्स किसी इन्फिनिटी पोजिशन पर चली जाए ये जो मास है हम किसी इन्फिनिटी पोजिशन पर चली जाए तो इसको कितनी हमें वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो होगी एस्केप वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप

ठीक फ्रेंड्स तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाना पड़ेगा तो एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल ठीक है तो अब इनिशियल क्या क्या एनर्जी है इनिशियल जो मास है वो सरफेस पे सिचुएटेड है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर के इक्वल और हमने कुछ इसको वेलोसिटी दी है जो कि एस्केप वेलोसिटी उसके कारण इसको होगी कुछ कैनिटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये तो होगी इनिशियल एनर्जी कैनिटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब फाइनल में देखो फाइनल के लिए हमें ये भेजना है आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी मीन्स फाइनल में पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी हुई जीरो फाइनल में हम चाहते हैं कि मिनिमम एनर्जी हमें देनी है तो फाइनल में कैंटे एनर्जी भी हम लेने के चलेंगे ज़ीरो होनी चाहिए तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हाफ़ एम वी ई स्क्वास टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर तो एम एम विल बी कैंसिल एंड वी विल गेट वी ईजल टू टू जी एम डिवाइड बाई आर अब इसमें तो नोमेटर और डिनोमेटर को अगर आर से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमीटर दिनो, में आ जाएगा आर स्क्वायर तो ये बनेगा टू जी नॉट आर अंडर रूट तो ये हमारा आया फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी के लिए फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ अब नेक्स्ट पार्ट में हम निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी फॉर आ सैटेलाइट अब एस्केप वेलोसिटी फॉर अटेलाइट क्या है ये एक बार देखते हम डायग्राम की हेल्प से तो सपोज करो ये अर्थ है जो कि आठ डिस्टेंस पे एक सेटेलाइट से ठीक है और ये सेटेलाइट रिवॉल्व करिए अर्थ के अराउंड तो इस सेटेलाइट को कितनी हम वेलोसिटी दें कि ये एस्केप हो जाए इसके इन्फ्लुएंस से तो वो होगी हमारी एस्केप वेलोसिटी फॉर सेटेलाइट वी एस्केप फॉर द केस ऑफ सेटेलाइट ठीक है इसमें भी सेम इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी लिखेंगे हम तो इनिशियल एनर्जी कितनी है कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनिशियल केस एंड कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर फाइनल केस अब इनिशियल कैनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस केस में अगर मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है सेटेलाइट का मास अगर स्मॉल एम है तो ये बनेगा जी एम एम डिवाइड बाई आर स्मॉल आर ओके एंड फाइनली एनर्जी कितनी आ जाएगी सिंपली जीरो प्लस ज़ीरो जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था तो वी एस के इस वाले फॉर्मूले से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा जी एम डिवाइड बाय आर इंटू टू कांडरूट ठीक है तो बना हमारा सेटेलाइट के केस के लिए एसकेटी अब इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस का आया डिफरेंस आया रेडियस के लिए यहां पर तो हम ले रहे थे रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर हम ले रहे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट आर। ओके फ्रेंड्स तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन वेलोसिटी प्रोजेक्शन टी अब प्रोजेक्शन वेलोसिटी है क्या इसकी एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं ये होती है द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए मास एम फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सम हाइट एच ठीक है तो जैसे ये अर्थ है और इसकी सरफेस पे कोई मास है अब हमें इसको प्रोजेक्ट करना है किसी हाइट एच पे तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी चाहिएगी वो होगी हमारी प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन वेलोसिटी तो इसमें भी अगेन हमें कैंटे एनर्जी बस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कन्द, एनर्जी कंजर्वेशन पुट करना है तो हम करेंगे हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस अर्थ के सरफेस के लिए निकाल दें वी इनिशियल एनर्जी ठीक है तो हाफ़ एम वी पी स्क्वायर कितनी एनर्जी हमें देनी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल्स टू अब इस केस में यहाँ पर एनर्जी होनी चाहिए ज़ीरो हमें जस्ट यहाँ पर प्लेस करना है तो कैरेंटिक एनर्जी यहाँ पे लेंगे हम जीरो माइनस अब यहाँ पर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच ठीक है टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द मास एम तो इसको सॉल्व करेंगे स्मॉल एम विल कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड एंड हाफ वी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू तो जी एम डिड बाई आर माइनस जी एम आर प्लस एच तो जी एम विल बी कॉमन वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एच ओके अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये आएगा आर प्लस एच माइनस आर डिवाइड बाय आर इन टू आर प्लस एच आर आर विल कैंसिल एंड जी एम एच डिवाइड बाई अगर आर स्क्वायर अगर इसमें आर अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर वन प्लस एच बाय आर सॉरी, तो ये बना वन बाय एच प्लस आर तो अब हम अगर इसको टर्म को देखें तो ये टर्म क्या है ये है जी इंटू एच डिवाइड बाय वन प्लस एच डिवाइड बाय आर और राइट हैंड साइड में क्या था हाफ ऑफ वी पी स्क्वायर तो ये बना वी पी स्क्वायर विल बी इक्व टू टू जी एच डिवाइड बाई वन प्लस एच डिवाइड बाई आर और वी कैन राइट इट एज टू जी एच डिवाइड बाई वन प्लस एच बाय आर ओके फ्रेंड्स तो ये बनी हमारी प्रोजेक्शन वेलोसिटी की इक्वेशन या बोले प्रोजेक्टर वेलोसिटी का फॉर्मूला ठीक है ओके okay फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं थैंक यू बाय बाय